हेलो स्टूडेंट वेलकम यू ऑल टू फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट स्टडी इंडिया माई सेल्फ सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन गुड न्यूज़ ये है कि आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे जिनमें हम बेसिकली बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जैसे क्रोमोजोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे क्यों होते हैं किसके वजह से हो रहे हैं क्या इनके सिम्टम्स हैं कौन से क्रोमोसोम्स ऐड हो रहे हैं किसमें ट्राइसोमी हो रही है मोनोसोमी किन में हो रही है ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके अलावा बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस जैसे डिजीज के बारे में जो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं लेकिन आज के टॉपिक में हम बेसिकली उनको थोड़ा अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे तो स्टार्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये एक तरह से फैमिली ट्री माना जाता है जिसकी बेसिस पे आप किसी पर्सन का जेनेटिक डिसऑर्डर किस बच्चे को होने वाला है किसको नहीं होने वाला है ये एक तरह से आप कहते हैं ना पता लगा सकते हैं ठीक देखते हैं क्या होता है टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन फॉर ऑफ आ फैमिली ठीक है कई सारे जनरेशन तक हम इसके बेसिस पे फैमिली के ट्रेट्स को देखते हैं आपने किसी फैमिली को चूज किया अगर उस फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डिजीज चल रही है तो काफी जनरेशन में जिसमें शो हो रहा है जिनमें नहीं छोटो अब जरूरी तो है नहीं कि हर बच्चे में ये शो हो ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है ये बेसिकली हम इनफैक्ट जब हम आपके क्लास में थे आई थिंक जब हम ट्वेल्थ में थे हमें भी ये एक बार में समझ में नहीं आया था क्यों नहीं समझ में आया था क्योंकि चीजें जो हो रही थी दिमाग में घुसी नहीं पा रही थी ये हुआ कैसे अगर किसी को जेनेटिक चल रहा है तो मतलब वो हर जनरेशन तक पास आउट होना चाहिए वही खेल है यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव वाला मैनर डोमिनेंट कंडीशन में बहुत सारी आप डिजीज देखोगे जो डोमिनेंट ट्रेट को फॉलो कर रही है बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो रिसेसिव ट्रेट्स को फॉलो कर रही है उसके बेसिस पे ये चले आते जिनमें डोमिनेंट अगर कोई रिसेसिव ट्रेट को फॉलो कर रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर में वो शो नहीं होगा वो जब भी शो होगा तब प्रसिव कैरेक्टर पे ही शो होगा ठीक इट प्रोवाइड स्ट्रांग टूल्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स टू ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स और डिजीज एबनॉर्मिलिटीज़ इसके बेसिस पे हम क्या प्रेजेंस पता लगा सकते हैं स्पेसिफिक ट्रेट्स के बारे में या किसी डिजीज के बारे में या ही किसी एबनॉर्मलिटीज़ को रिलेटेड ठीक है किसी पर्सन में क्या एबनॉर्मेलिटीज है उनकी क्या डिजीज है या कौन सा स्पेसिफिक ट्रेट है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहा है ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फैमिली ट्री ठीक है इसको फैमिली ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है नेक्स्ट है इट इज हेल्पफुल इन अवॉइडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर पहले तो इतना नहीं था लेकिन आज की साइंस इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अगर किसी पर्सन को जेनेटिक बीमारी है किसी फैमिली से रिलेटेड और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इसकी कोई बीमारी कुछ भी ना हो तो आज भी ऐसे बहुत सारे अगर इनका अर्ली एम स्टेज में पता चल जाए तो बच्चे को हम इस बीमारी से बचा सकते हैं ठीक है जिके? ये सारी चीजें क्यों हो रही है क्योंकि हमारी साइंस इतनी अच्छी होती जा रही है तो ये बेसिकली कैसे पता चल रहा है ये इसी पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पता चल रहा है अब आपके एनसीआरटी में ये ट्री का कुछ शेप दिया है समझ में आया सच्ची सच्ची बताना आप लोग आया समझ में यहां पे क्या हुआ फिर ये डबल लाइन क्यों बनी फिर यहां पे ये कैसे डिजीज कॉज हुआ कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना एक्सप्लेन करते हैं देखते हैं क्या होता है इसमें यहाँ पे मेल जो था ठीक है वो कैसा मेल है नॉर्मल मेल है ठीक फीमेल कैसे हैं वो भी नॉर्मली है अब अनएक्सपेक्टेड सेक्स ठीक है अनस्पेसिफाइड हुआ वहां पे जो आए अफेक्टेड इंडिविजुअल आए ठीक तीनों ही कैसे हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल आ रहे हैं अब इनकी क्या हुई है मैटिंग हुई है क्रॉसिंग हुई है ठीक मैटिंग बिटवीन रिलेटिव ठीक है रिलेटिव के बीच जैसे किसी एक ही फैमिली में ठीक रिलेटिव मतलब ये नहीं कि भाई बहन रिलेटिव इन द सेंस कि एक ही फैमिली में जिनकी बेसिकली कोई जेनेटिक हिस्ट्री रही हो उनकी बेसिस पे बात कर रहा है अब इनमें जो बेबी या ये क्या शो कर रहा है पेरेंट को दिखा रहा है ना पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बिलो लेफ्ट टू राइट बर्थ ये दोनों बच्चे जब आपस में क्रॉस हो रही है तो यहाँ पे क्या आ रहा है डिजीज वाले क्योंकि रेड वाली लाइन क्या है खतरा यानी उस इंसान को कोई ना कोई डिजीज है और बाकी फाइव कैसे हैं अनफेक्टेड ऑफिस प्लिन ये फैमिली का ट्री जो है इसके बेसिकली कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो ये स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं इनके सामने जो लिखा होता है उस पर आपको टिक करना होता है एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन में तो आपको अगर ये अच्छे से याद होगा तभी सही कर पाओगे नहीं तो डेफिनेटली गलत करके आएंगे दस में से आठ ऐसे बच्चे होंगे जो गलत करके आएंगे क्यों क्योंकि ये एक बार में समझ में आता ही नहीं है ये कोई इसमें कोई कमी नहीं है आपकी आपको एक बार में समझ में नहीं आया ये एक्चुअल में थोड़ा ट्रिकी है इसीलिए एक बार में समझ में नहीं आता अब जानते हैं ऐसा कैसे हो रहा है मान लो एक फीमेल है जिसके पास एक्स एक्स क्रोमोजोम है एक मेल है जिसके पास एक्स वाई क्रोमोजोम है ठीक है अब ये मेल जो है वो नॉर्मल है और फीमेल जो है वो कैरियर है किसी डिसऑर्डर या किसी डिजीज की अगर इनके बीच क्रॉसिंग होगा तो इनके से तो एक ही आएगा एक्स यहां से क्या आ सकता है एक्स एक्स भी आ सकता है या वाई भी आ सकता है दोनों ही आ सकते हैं ना? अब इनकी जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या बनेगा एक्स सी और एक्स और इधर जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या बनेगा एक्स सी और वाई ये तो मेल होगा और ये क्या होगा फीमेल यही समझेंगे इस चीज को अगर कोई चीज डोमिनेंट की बेसिस पे फ्लो कर रहा है जैसे डिजीज वाले तभी मानेंगे जब वो डोमिनेंट फेज में रहेगा तो यहां पे क्या है क्या ये डोमिनेंट फेज में दिख रहा है आपको यहां पे फीमेल क्या है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रोमोजोम है लेकिन कैरियर के फॉर्म में यानी वो फुल डिजीज नहीं मानी जाएगी लेकिन अगर हम ये कहें कि रिसेसिव फॉर्म में चीजें चल रही हैं रिसेसिव हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर चीजें जो होंगी वो ही फ्लो करेंगी समझ रहे हो आप रिसेसिव हेट्रोजाइगस तो ये तो होमोजाइगस है वैसे भी फेल है एक्स एक्स दोनों होमोजाइगस है और ये कैसा है रिसेसिव कंडीशन दिख रही है यानी अगर मेल को जैसे ही जो है डिजीज वो क्या होगा मेल उससे अफेक्ट होते हैं फीमेल जो होती है वो ज्यादातर कैरियर होती है ठीक मेल ही जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेल वाला अफेक्टेड दिख रहा है आपको क्यों क्योंकि उनके पास एक्स क्रोमोजोम है जिनके ऊपर वो क्या है कैरियर इस वजह से इनको ये डिजीज होगी यही एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आता अब अगर ये फर्दर डिवाइड करेंगे देख लो आगे अगर ये फर्दर क्रॉस करते हैं तो क्या क्या पहले तो मिलने की चांसेस है यहां से एक्स सी भी आ सकता है और एक्स भी आ सकता है यहां से क्या आएगा एक्स सी भी आ सकता है या वाई भी आ सकता है बच्चे कैसे हो सकते हैं यहां पे ये और ये अगर क्रॉस किए तो एक्स सी और एक्स सी यानी उस फीमेल को क्या होगा डिजीज होगी ये और ये अगर क्रॉस किए तो एक्स सी और वाई ये हो सकता है चांस ये और ये अगर क्रॉस किए तो एक्स सी और एक्स ये और ये करिए अगर तो एक्स और वाई यही चांसेस हैं होने के इसके अलावा कोई और चांसेस दिख रहे हैं यानी यहाँ पे जो ये है ये प्योर मतलब प्रॉपरली ये डिजीज फ्री है इसको कोई डिजीज फ्यूचर में नहीं होने वाली लेकिन बाकी आगे के चल के क्या बन रहे हैं कुछ को डिजीज है और कुछ कैरियर की तरह बिहेव कर रहे हैं ये चीज समझ में आया ये कैसे डायग्राम फ्लो का चार्ट बन रहा है यही जो पेडिग्री एनालिसिस है इसका जो ट्री है एक बार में कभी समझ में नहीं आए तो आप इस तरह मैनर में बना के खुद से समझने की कोशिश करो कोशिश करो कि वीडियो पॉज कर करके एक बार खुद से पहले प्रैक्टिस करें आप देख के उतार लो उसके बाद समझो कि इसमें हुआ क्या है ऐसा क्या हो रहा है जो एक बच्चा जो है वो सेफ है बिल्कुल और बाकी जो है उनको कोई या तो कैरियर बन रहे हैं या तो उनको कोई डिजीज हो रही है ठीक बढ़ते हैं आगे जेनेटिक डिसऑर्डर अब ये नाम का डिसऑर्डर जो है इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक पार्ट क्या कहलाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक पार्ट क्या कहलाता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर नाम में ही आ रहा है क्रोमोजोम यानी पे गड़बड़ी कहाँ होगी क्रोमोजोम के अरेंजमेंट में हमारी बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम है 46 सिक्स क्रोमोजोम्स है या 23 थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम है लेकिन अगर ये 23 थ्री पेयर प्रॉपरली ट्वेंटी थ्री पेयर ना होके एक कम ज्यादा हो यानी 46 ना हो के 47 हो या 45 हो या 46 की जगह 48 हो एक पेयर ऐड हो जाए तो वहां पे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है उन बीमारियों के लिए हम क्या नाम रखे हैं वो पढ़ते हैं पहला आ रहा है मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर डिटरमाइंड बाई एल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन ये कब होगा किसी एक जीन के अंदर किसी म्यूटेशन या एल्टरेशन यानी छेड़छाड़ के वजह से नेक्स्ट फाउंड टू बी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव ये डोमिनेंट और रिसेसिव केस जो हमने पेडिग्री एनालिसिस में देखा था डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही केस को फॉलो करेगा नेक्स्ट ऑल्सो फाउंड टू बी लिंक्ड टू एक्स क्रोमोजोम एज सेक्स लिंक्ड डिजीज ये अगर एक्स क्रोमोजोम यानी सेक्स क्रोमोजोम पे बैठा होगा वाई क्रोमोजोम पे नॉर्मली नहीं बैठते जब भी बैठते हैं एक्स क्रोमोजोम पे ही बैठते हैं ठीक तो बेसिकली जब भी ये सेक्स क्रोमोजोम पे बैठे होंगे तो हम इनके नाम को क्या बोलेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज ठीक है इसका एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस है क्या हीमोफीलिया डीपली डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी फ्रेज्ड इन अ फैमिली बाई पेडिग्री एनालिसिस कैसे पता कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से इसको भी पता कर सकते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रीट्स शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजनी एक्सलिंक्ड रिसेसिव याद रखना रिसेसिव बोल रहा है ठीक है रिसेसिव का मतलब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में खुद को शो नहीं करेगा एक्स एक्सलिंग जो रिसेसिव ट्रेट है उनकी जो फीमेल होती हैं वो कैरियर होती हैं वो डिजीज नहीं कॉज करती या उनको उनकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं होता वो सिर्फ कैरी करती रहती है डिजीज को और जो मेल हो जाते हैं वो क्या होते हैं डिजीज हो जाते हैं ठीक हीमोफीलिया सिकल सेल कलर ब्लाइंडनेस फिनाइल कीटोन यूरिया और थैलेसेमिया ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं

एक रेड और एक ग्रीन जिन भी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रेड और ग्रीन में कंफ्यूज रहते हैं वो उनको सही से पहचान नहीं पाते होता क्या है ये कैसा है पहले तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर इनकी जो हमारे आइज में कौन सेल है ठीक है उनमें रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आने लगती है इसी वजह से ये पैर, जब भी इनको आप रेड कलर दिखाओगे या ग्रीन कलर दिखाओगे ये सही से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे दोनों को ही और एक चीज इसमें याद रखना आप जितने भी डिजीज पढ़ोगे वहां पे कौन से ऑटोजोमल है कौन से सेक्स लिंक्ड है कौन से रेसेसिव है कौन से डोमिनेंट है ये हमने पहले ही सेंटेंस में इसलिए लिख दिया है वो याद रखना मस्ट है कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में सारे सेक्स लिंक्ड होंगे कोई एक उसमें ऑटोजोमल होगा तो यहां पे पूछता है ऑटोजोमल डिजीज कौन से हैं या ऑर्ड वन कौन सा है तो आपको याद अगर नहीं होगा तो क्या होगा दिक्कत होगा ठीक नेक्स्ट है हीमोफीलिया हीमोफीलिया का मतलब हिमो जो वर्ड है ये वर्ड आता है ब्लड से ठीक है फीलिया मतलब लविंग अब आप ही सोचो जिसको आप प्यार करते हो कभी चाहोगे कि वो पिंजड़े में बंद रहे कभी ऐसा चाहोगे उसको हमेशा यही कहोगे नहीं तुमको जहां बहके जाना है जहां उड़के जाना है जाओ। यही होता है ना तो बेसिकली हीमोफीलिया मतलब कुछ ऐसा ही है इनको अगर एक छोटी सी भी कट लग गई, तो इनकी ब्लीडिंग होने वाला नहीं है क्योंकि इनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते ठीक आप याद कर लो हीमो का मतलब ब्लड फीलिया मतलब लविंग अब आप जिसको लव करते हो उसको क्या करोगे हमेशा फ्री छोड़ोगे कि नहीं कोई रुकावट कोई बंदिश कुछ नहीं आने वाली तुमको तो जहां जितना दूर उड़ के जाना है जाओ होता है ऐसा बहुत सारे फिल्मी डायलॉग्स है कुछ दिमाग में होगा ना तो बेसिकली इनकी बॉडी में क्या होता है जिनको भी ये डिजीज होती है उनकी बॉडी में अगर छोटा सा भी कट लग गया तो उनके खून क्या होते हैं कंटिन्यू ब्लीड करते रहेंगे वो रुकने वाले ही नहीं है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है पहला पॉइंट अफेक्टेड इंडिविजुअल कंटिन्यूसली ब्लीड टू अ सिंपल कट एक छोटा सा भी कट लगने पे वो ब्लीडिंग स्टॉप होती ही नहीं ऑब्वियस बात है जब क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं उनमें तो ब्लीडिंग कैसे स्टॉप होगी अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज एफेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक सिंपल सी प्रोटीन होती है ठीक है बहुत ही छोटी सी सिंगल प्रोटीन होती है जो कैस्केड ऑफ प्रोटीन ग्रुप ऑफ प्रोटीन की बनी होती है और इन्वॉल्व होती है क्लॉटिंग में ठीक है क्लॉटिंग फैक्टर में इन्वॉल्व होती है और वही क्लॉटिंग फैक्टर में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो बॉडी में नहीं पाई जाती अब जब वो प्रोटीन ही नहीं है तो क्लॉटिंग कहाँ से होगा ठीक द डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सन जो फीमेल uh, होगी वो क्या होगी अनअफेक्टेड होगी लेकिन कैरियर होगी फीमेल जो होती है वो अनअफेक्टेड होगी लेकिन कैरियर होगी ट्रांसफर किस में होगा उनके बच्चे में लेकिन वो बच्चा बच्ची नहीं होनी चाहिए बच्चा होना चाहिए मतलब सन होना चाहिए नेक्स्ट फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज रेयर बिकॉज फॉर दिस मदर शुड बी एट लीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक फीमेल तभी ये डिजीज लेके रहेगी जब उनकी माँ कैरियर हो और उनके फादर कैसे हों हीमोफिलिक डिजीज से गुजर रहे हो जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देखोगे तो ब्रैकेट में लिखा है अनवेलिएबल ठीक है इन द लेटर स्टेज तो लेटर स्टेज में जाते जाते ये बिल्कुल इनके प्रोटीन वैसे भी खत्म होने लगते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है लेकिन एनसीआरटी में लिखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फीमेल तभी ये डिजीज से गुजरेगी अगर उनकी मदर जो है वो कैरियर हो और फादर जो हो उसको हिमोफिलिक डिजीज हो ठीक क्वीन विक्टोरिया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन विक्टोरिया के बारे में सुना होगा ठीक है उनकी पूरी जनरेशन में पूरी फैमिली में ये हीमोफिलिक जो डिजीज था ये कंटिन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहा क्यों क्योंकि जो विक्टोरिया नाम की क्वीन थी वो क्या थी नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एंड शी वॉज अ कैरियर ऑफ डिजीज वो खुद एक कैरियर थी इस हीमोफिलिक डिजीज की कितने पॉइंट्स हमने पढ़ी पहला पॉइंट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में ये डिजीज होता है दूसरा पॉइंट जिस भी इंसान को ये डिजीज होता है उसके ब्लड कभी भी अगर छोटा सा भी कट लग गया तो वो नॉन स्टॉपेबल फ्लो करते जाएंगे ठीक है वो उनके अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता ये बेसिकली होता क्यों है क्योंकि एक प्रोटीन होता है जो कैस्केड ऑफ प्रोटीन का बना होता है और वही क्लॉटिंग में हेल्प करता है और बॉडी से वही प्रोटीन क्या होता है एबसेंट होता है नेक्स्ट फीमेल क्या होती है कैरियर होती है लेकिन उनके जो सन होंगे वो इस डिजीज से गुजरते हैं ठीक अगर फीमेल को ये डिजीज होना है तो उसके लिए जरूरी क्या है मदर कैरियर होना चाहिए और फादर को क्या होना चाहिए हीमोफिलिक डिजीज होना चाहिए ये कहां पे फ्लो किया बेसिकली एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्वीन विक्टोरिया की जो फैमिली थी उनकी पूरी फैमिली में ये डिजीज फ्लो करती रही जनरेशन टू जनरेशन क्यों क्योंकि वो खुद क्या थी इस डिजीज की कैरियर थी ठीक है देख लो आप ये समझते इससे एक्स वाई और एक्स एक्स यहाँ पे फीमेल क्या है कैरियर है और मेल क्या है नॉर्मल दिख रहा है ठीक अब ये दोनों जब क्रॉस करेंगे तो इसका एक्स और इसका एक्स आपस में अगर मिला तो फीमेल क्या होगी देख रहे हो आप ये एक्स जो है रेड कलर का बना हुआ है तो रेड कलर का यानी उसको ये कैरियर बिहेव कर रहा है तो यहां पे जो फीमेल आएगी वो कैसी होगी कैरियर ठीक है अब इसका एक्स और इसका एक्स अगर मिला तो वो डॉटर कैसी होगी फ्री होगी डिजीज उनको कोई कैरियर की बिहेव भी, नहीं करने वाली है ठीक है कैरियर की तरह नहीं बिहेव करने वाली अगर इनका वाई और इनका और मिला तो एक्स वाला क्या है है यानी जो सन होंगे वो कैसे होंगे हीमोफिलिक होंगे क्योंकि ये रेसेसिव ऑर्डर में फ्लो कर रहा है और अगर इनका वाई और ये वाला एक्स मिला तब क्या होगा नॉर्मल ठीक है उस बच्चे को कोई भी ऐसी डिजीज नहीं होगी चीजें समझ में आई कैसे ये फ्लो किया ठीक अब इस केस में क्या हो रहा है फादर अगर है यहां पे तो मदर थी यहां पे अगर फादर है और चिल्ड्रन जो मदर है वो कैसी है वो ना ही कैरियर है ना ही उसको कोई डिजीज है तो क्या होगा सेम कंडीशन एक्स और एक्स अगर मिला तो फीमेल कैसी होगी जो आएगी वो कैरियर की तरह बिहेव करेगी इसका एक्स और इसका x मिला तब भी क्या होगा क्योंकि मेल से जो आने वाला है वो x कैसा आने वाला है वो तो डिजीज वाला ही x एक रूल तो यही कहता है कि अगर फीमेल है तो x एक्स में एक फीमेल का आएगा एक मेल का आएगा तभी जो बेबी गर्ल होगी वो फीमेल होगी ठीक है तो यहाँ पे x वाला जो मेल का है वो तो डिजीज है तो दोनों ही केस में फीमेल कैसे बिहेव करने वाली है कैरियर की तरह लेकिन मेल कैसे बिहेव करने वाला है दोनों ही केस में क्योंकि ये वाली फीमेल कैसी है सेफ है बिल्कुल ना ही कैरियर की तरह बिहेव करिए ना ही उसको कोई डिजीज है तो इस दोनों ही केस में मेल कैसा है बिल्कुल फ्री चल रहा है ठीक है ना ही उसको कोई कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है ना ही वो किसी डिजीज से गुजर रहा है चीजें समझ में आई आप इस डायग्राम को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया इसमें क्या होता है सिकल सेल इनके जो बेसिकली ये नाम रखा गया है किस लिए रखा गया है के शेप को देख के देखते हैं पहले क्या होता है रिसेसिव इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा वो सेक्स क्रोम से लिंक थे ठीक है लेकिन ये कैसा है ऑटोजोमल है. ट्रांसमिटेड वेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन ठीक है जब दोनों ही पार्टनर क्या होंगे कैरियर होंगे इस जीन के लिए तभी ये जो डिजीज है वो कॉज होगी नहीं तो नहीं होगी कंट्रोल्ड बाई सिंगल पेयर ऑफ एलिल एच बी ए एंड एच बी एस ये एच बी ए और एच बी एस हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं एच बी फॉर हीमोग्लोबिन को ठीक है तो वहां पर क्या हो रहा है एच बी ए और एच बी एस ये दोनों ही एक सिंगल पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल किए जा रहे हैं ठीक होमोजाइगस आर डिजीज फॉर एच बी एस एंड एच बी एस ये जो एच बी एस है डिजीज सिर्फ इनको होने वाली एच बी ए वाला सेफ है अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में आ गया यानी मेल की भी बॉडी से एच आ गया फीमेल की भी बॉडी से एच आ गया तो ये दोनों को ही मिलके क्या करेंगे डिजीज कॉज करने वाले हैं द डिफेक्ट इज कॉज बाई सोजिशन ऑफ एसिड एसिड एट ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ड्यूटामिक एसिड का सिंबल प्रोटीन का क्या बनता है जी ए जी और विलायन एसिड का जी यू जी ये कहां पे किस पोजीशन पे आते हैं सिक्स पोजीशन पे आते हैं ठीक है यहाँ पे होता क्या है जो ग्लूटामिक एसिड जो बनना चाहिए वो ग्लुटामिक एसिड बनना चाहिए लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है विलाईन एसिड सेम पोजीशन पे ठीक है जिसके वजह से प्रोटीन में छेड़छाड़ हो जाती है यानी बनना चाहिए था एच बी ए और बन जाता है एच बी एस शेप ऑफ आरबीसी गेट चेंज फ्रॉम बाइक डिस्क इलांगेटेड सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर जो आरबीसी का शेप होता है वो शेप कुछ ऐसा होता है ठीक है बाई कनके कुछ ऐसा शेप होता है हमारे आरबीसी का लेकिन वो कुछ ऐसा ही शेप बन जाता है ठीक है इसलिए इसका नाम रखा गया क्या सिकल सेल एनीमिया सिकल लैक स्ट्रक्चर बन जाता है ठीक अच्छा एक चीज़ और है पता है आपको कि जिनको भी सिकल सेल एनीमिया वाली डिजीज होती है उनको मलेरिया नहीं हो सकता है एक प्लस पॉइंट है ये इनकी बॉडी में मलेरिया नहीं ग्रो कर सकता ठीक है मलेरिया के जो भी प्रोटोसोवन है इनकी बॉडी में ग्रो नहीं करते ये इनका एक प्लस पॉइंट है हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इसलिए दिमाग में रखना लिखने की जरूरत नहीं है फ़नी चीज़ें दिमाग में रख सकते हो ठीक तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने क्या, -क्या पढ़ा? Number one point, जब ही पार्टनर इस लिंक से, या इस से गुजर रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट कंट्रोल होता है किससे एच और एच से नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है ये डिजीज किस में होता है एच एस वाले में जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे यानी मेल वाले को भी एच हो और फीमेल बॉडी बोड़, में भी एच बी एस यू यानी एच बी ए का कोई रोल नहीं है इसमें ठीक है ये एच बी ए होना अच्छी बात है लेकिन एचबीए की जगह कभी कभी क्या हो जाता है विलाइन जो ठीक है ग्लूटामिक एसिड की जगह बनने क्या लगता है बॉडी में विलाइन क्यों होता है क्योंकि जीए जी की जगह क्या जुड़ जाता है जी यू जी कौन सी पोजिशन पे सिक्स पोजिशन पे अब एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर मेल बॉडी में एचबीएस प्रोटीन सिंथिसाइज हो रहा है हीमोग्लोबिन उनके अंदर वो है और फीमेल बॉडी में एच बी ए ही है तो क्या ये डिजीज होगी नहीं क्यों क्योंकि यहां पे नंबर सेकंड पॉइंट पे आप देखो दोनों को ही ये डिजीज होनी चाहिए यानी दोनों की ही बॉडी में एच बी एस एच बी एस होना चाहिए तभी ये डिजीज होगी नहीं तो नॉर्मली रहने वाला है ठीक आरबीसी का शेप क्या हो जाता है चेंज हो जाता है किसमें बाईक किसमें हो जाता है इलांगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर में ये हमारे एनसीआर का ही डायग्राम है हो क्या रहा है इसमें देख लो आप सिक्स पोजिशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एसिड है ग्लूटामिक एसिड एसिड की की जगह जगह क्या आ जाएगा acid, यानी G, A, G की जगह किसने रूप ले लिया जी यू जी की जगह कौन सी पोजीशन पे सिक्स पोजीशन पे ये याद रखना इंपॉर्टेंट है सिक्स पोजीशन पे क्या चेंज होगा ग्लूटामिक एसिड की जगह एसिड आके जुड़ जाएगा ट्रिपलेट फॉर्म क्या है ग्लूटामिक एसिड का कोड क्या है जी ए जी और विन एसिड का जी यू जी ए की जगह बस यू आ जा रहा है नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन यूरिया। ये भी कैसा है ऑटोजोम इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एनिलीन इनटू टायरोसिन ठीक है फिनाइल एनिलीन जो कन्वर्ट करता है किसको टाइरोसिन में विच रिजल्ट इन द एकोमेशन ऑफ फिनाइल एलिलीन एंड कन्वर्ट इन टू फिनाइल पायरविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव क्या हो रहा है यहां पर जो अफेक्टेड जिसको भी ये फिनाइल कीटोन यूरिया होगा नाम में ही सारा खेल है फिनाइल नाम याद रखना है क्या हो रहा है इनकी बॉडी में लैक हो जाता है कौन सा एंजाइम जो कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड को को ठीक है किसमें कन्वर्ट करता है टाइरोसिन में यही एंजाइम एबसेंट हो जाता है तो जब ये इंजाइम ही एबसेंट हो गया तो क्या होगा टाइरोसिन में चीजें कन्वर्ट होंगी नहीं होंगी तो अब ये फेलिन किसमें चेंज हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा किसमें फिनाइल पायरुविक पायरुविक एसिड और ये पायरुविक एसिड क्या होता है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है क्यों क्योंकि किडनी में इनका डिपोजिशन पॉसिबल नहीं है तो ये यूरिन के थ्रू भी पास आउट होने रहते हैं प्लस अगर ये हमारे ब्रेन में डिपॉजिट होना शुरू करे तो क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी चीजें समझ में आई नंबर एक, क्युं एक एंजाइम है जो फेनिल को कन्वर्ट करता है टाइरोसिन में लेकिन ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो टाइरोसिन की जगह फेनिल एन किस में कन्वर्ट होता है फेनिल पायरविक एसिड में जो कि क्या होता है हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है क्यों नहीं अच्छा है क्योंकि अगर ये हमारे ब्रेन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा एक्मिलेट होना शुरू हो जाएगा तो मेंटल डिराडेशन शुरू हो जाएगी यानी वो बेसिकली बच्चा भी रहे तब भी बच्चों जैसे बिहेव करेगा बड़ा भी रहे तब भी बच्चों जैसे प्रॉपरली उसका मेंटली ग्रोथ नहीं होगा ठीक नेक्स्ट है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो है इनमें आपको कुछ पहले इंपॉर्टेंट टर्म याद रखने कॉज ड्यू टू एबेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम ठीक है ये तो समझ में आ गया नाम में क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है तो छेड़छाड़ होगा के नंबर में या तो एड हो रहे होंगे या तो डिलीट हो रहे होंगे दो ही है। अब, क्रोमोजोम्स आर और इन फॉर्म यानी ट्वेंटी थ्री पेयर में एक क्रोमोजोम आ गया या एक क्रोमोजोम चला गया तो उसे हम कहेंगे एनियोफ्लॉडिक याद रखना पेयर में कभी नहीं यानी सिंगल कभी एक पेयर में ऐड नहीं होने वाले हैं ठीक है सिंगल सिंगल ऐड या डिलीट होंगे पोलीफ्लॉयडी में क्या होता है नंबर डिलीटेड और इन फॉर्म यानी पेयर पेयर में एक यार तो ऐड हो जाए तो कितने हो ट्वेंटी फोर पेयर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएंगे या एक पेयर डिलीट हो जाए उसके इसको हम कहेंगे पॉली नेक्स्ट है ट्राइसोमी एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम इंक्लूड इन एन इंडिविजुअल फोर्टी सिक्स प्लस वन 46 में कोई एक क्रोमोजोम ऐड हो जाए ठीक है तो उसे हम कहेंगे ट्राइसोमी 46 में से कोई एक क्रोमोजोम चला जाए क्रोम तो उसे हम कहेंगे मोनोसोमी ठीक है एक पेयर क्रोमोजोम चला जाए तो उसे हम कहेंगे मोनोसोमी और कोई एक अगर क्रोमोजोम ऐड हो जाए तो उसे जा हम तो कहेंगे ट्राइसोमी क्वेश्चन जो बनते हैं ये ट्राइसोमी से ज्यादा बनते हैं ठीक है डाउन सिंड्रोम ठीक है अब जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर को हमने देखा अब पढ़ेंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में तो नंबर वन पे आते हैं हमारे डाउन सिंड्रोम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंगडन डॉन ईयर था 1866 पहली बार जो डिस्क्राइब किया इस डाउन सिंड्रोम के बारे में वो हमारे साइंटिस्ट अपने ही नाम पे इन्होंने इस डिजीज को रख दिया क्या डाउन सिंड्रोम ठीक प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन नंबर वाला जो क्रोमोजोम है इनका एडिशनल कॉपी बॉडी में बनने लगता है ठीक यानी ट्वेंटी वन नंबर वाला क्रोमोजोम जो है वो या तो एक से ज्यादा या एक एडिशनल कॉपी अपने अंदर बना लेगा सिम्टम्स क्या होते हैं शॉर्ट सेचुरेटेड विथ स्मॉल राउंड हेड छोटे छोटे सर होते हैं लेकिन राउंड शेप में होते हैं ठीक फरोड टंग जो टंग होता है वो फरोड यानी टंग का शेप कुछ ऐसा होना चाहिए लेकिन थोड़ा ऐसा होता है ठीक है फररोड लाइक स्ट्रक्चर में होता है ओपन माउथ माउथ जो होंगे वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पाते थोड़े से मुंह हमेशा खुले रहेंगे पाम इज ब्रॉड ब्रॉड हथेली जो होती होती है है वो है। और बहुत सारे क्रीसेस ठीक है जिसको आप लकीर बोल सकते हो लकीर नहीं होते क्रीसेस थोड़े थोड़े होते हैं चिंगड़ाहट बहुत होती है इनके हाथों में ठीक फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन इनको जिनको भी ये डाउन सिंड्रोम होता है मेंटली रिटार्डेड होते हैं फिजिकली इनकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती अब ऑब्वियस सी बात है क्रोमोजोम नंबर ही में ही छेड़छाड़ अगर होगा तो कहीं ना कहीं उनके सिम्टम्स बॉडी में तो दिखेंगे ठीक तो ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं मेंटल ग्रोथ भी इनकी नहीं अच्छी होती ना ही इनके फिजिकल या साइकोलॉजिकल बिहेवियर में अच्छी ग्रोथ होती है ठीक तो पहला तो साइंटिस्ट का नाम लैंगडोन हॉर्न तो बेसिकली ये क्या है इन्होंने पहली बार ये डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी थी उसको इंट्रोड्यूस किया था नेक्स्ट है होता क्यों है क्योंकि प्रेजेंस हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम में एडिशनल कॉपी कौन से क्रोमोजोम में ट्वेंटी वन नंबर वाले क्रोमोजोम में एक एडिशनल कॉपी एड हो जाती है अब इसके वजह से क्या सिम्टम है सिर छोटे होते हैं लेकिन राउंड होते हैं जो इनके टंग होते हैं वो फरोड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं ठीक और पाम जो होते हैं वो ब्रॉड होने के साथ बहुत सारे क्रीसेज इन पे पड़े होते हैं फिर साइकोलॉजिकली या फिजिकल या मेंटल तीनों की ही बेसिस पे ये रिटार्ड ग्रोथ शो करते हैं यानी ग्रोथ इनकी प्रॉपरली नहीं हो पाती ठीक आप ये स्ट्रक्चर देखो ये जो बेसिकली डायग्राम है ये डाउन सिंड्रोम से ही रिलेटेड बच्चे का है यहाँ पे आप देखो क्या उसका माउथ प्रॉपरली ओपन बेसिकली क्लोज हो पा रहा है नहीं थोड़ा थोड़ा सा ओपन है इनके जो हथेली है पाम वो कैसे हैं ब्रॉड हैं ठीक है टंग जो होंगे वो फरोड होंगे और इनकी बॉडी प्रॉपरली ना फिजिकल ना साइकोलॉजिकल ना, ना ही मेंटल की बेसिस पे ग्रोथ कर पाएगी नेक्स्ट है लेफ्टनर सिंड्रोम एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम एंड रिजल्टिंग इन टू द कैर टाइप ऑफ फोर्टी सेवन यानी एक्स एक्स वाई ठीक तो बेसिकली यहां पे क्या होता है मेल में ये डिजीज होता है तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स रोमोजोम यानी सेक्स लिंग ट्रोमोजोम जो हमारा एक्स रोमोजोम है उसकी एक एडिशनल कॉपी हो जाती है ठीक अब एडिशनल कॉपी होने की वजह से क्या होता है मैस्कोलाइन डेवलपमेंट या गायनो कॉस्मेटिया यहाँ पर होता क्या है कि मेल की बॉडी में फीमेल लाइक ड्रीज का डेवलपमेंट होने लगता है ठीक इसी को बोलते हैं क्या गायनकोमेस्टिशिया नाम याद रखना है थोड़ा तिढ़ा मिणाव नाम बायो में चलता ही है तो गाइनोवर्ड पहले भी बताया फीमेल से रिलेटेड है तो मेल की बॉडी में उनका ब्रीज डेवलपमेंट कैसा होने लगता है फीमेल के जैसा इसलिए इसको ये नाम दिया गया प्लस इनके अंदर क्या होता है मैस्कुलिन डेवलपमेंट अगर फीमेल है तो उनके अंदर एक्स 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 तीनों आ सकते हैं ठीक है थीके? तो बेसिकली क्लेफना सिंड्रोम मेल के लिए रखा गया है क्यों क्योंकि इनकी बॉडी में एक एडिशनल एक्स ट्रोमोजोम ऐड हो जाता है अब ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये स्टेराइल होते हैं यानी ये फर्टाइल नहीं फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी या बच्चे नहीं हो सकते इनको ठीक है स्टेलाइल कंडीशन पाई जाती है नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कॉज ड्यू टू द एबसेंस ऑफ क्रोमोजोम दैट इज 45, ठीक है 45 नंबर वाला जो क्रोमोजोम है बॉडी से एबसेंट होता है विथ एक्स जीरो यानी ये जो फीमेल होती है इनके एक्स एक्स नहीं होते एक्स जीरो होते हैं अच्छा अब एक्स जीरो और किसके होते हैं कल ही पढ़ाया था कल की क्लास अगर देखा होगा क्रोमोजोम नंबर वो कोई डिफेक्ट नहीं था हालांकि सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने पढ़ाया था एक्स जीरो किसके होते हैं कमेंट करके बताना आप लोग सिम्टम्स क्या होते हैं ओवरीज जो होती है उनकी वो क्या होती है रूमिडेंट्री प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करती कंप्लीट नहीं हो पाती उनके अंदर डिविजन और लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ना ही इनके अंदर सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है अब बेसिकली जब ओवरे ही सही से ग्रोथ नहीं कर पाई तो ये भी कैसी होंगी स्टेलाइट कंडीशन में ही होंगी ठीक है इनकी बॉडी में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्यों क्योंकि जब ओवरी का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वही नहीं हो रहे हैं तो बॉडी कहाँ से डेवलप हो पा रही है ठीक है तो ये भी कैसी होती है स्टेलाइट कंडीशन में होती है इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमने कवर कर लिया ठीक है आपका आप क्या क्या है डिविजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे होगा यही ठीक है तो जितने क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर सकते हो हमने बोला है ना हर चैप्टर का कम से कम खुद से हर दो दो घंटे पे ये सिर्फ एक किसी बायो के लिए हम नहीं बोल रहे सिर्फ बायोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो यही तीन आपके मेन सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए ये रूल आप अपनाओ कि हर दो दो घंटे पे हर पांच पांच क्वेश्चन हमको करना है ठीक है अब वो पांच क्वेश्चन ऐसे नहीं कि छोटे मोटे टाइप एम सी क्यू टाइप्स नहीं लॉन्ग आंसर टाइप ठीक साथ ही जितने भी पीछे चीजें पढ़े हो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो ताकि एग्जाम तक आपको चीजें याद हो जाए प्रॉपरली तो एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ आप कॉपी के पेजेस पलटोगे चीजें अपने आप माइंड में आती जाएंगी ठीक मिलते हैं अगली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो है हमारा Molecular Basis of Inheritance. Till then, Thank you.